अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का अचार, जो नॉर्मल अचार होता है, लेकिन ये जो अचार है वो चाइनीज़ अचार है, न्यू स्टाइल का अचार है। उम्मीद करती हूँ आप सबों को बहुत पसंद आएगा। तो चाइनीज़ अचार बनाने के लिए मैंने कैरी के ऐसे बारीक बारीक पीसेस की हूँ। उसमें हमको डालना है 5 चम्मच कश्मीरी पाउडर और 2 चम्मच तेज मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैंने ऐसा मिक्स करूँ। अभी आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ऐसे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके रखना है। देखिए ऐसे मिक्स करना है और कैरी का छिलका नहीं निकालना है, छिलके के साथ में ऐसे बारी बारी पीस करना है। देखिए ऐसे करके रखना है, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। 2 किलो कैरी ली थी, 2 किलो कैरी के लिए 3 कप शक्कर लगेगा। अगर आप 1 किलो कैरी लेते हो तो 1.5 कप शक्कर लगेगी। तो मैंने इसके लिए 3 कप शक्कर डालूंगी, 1 कप, 2 कप और ये 3 कप। 1 किलो के लिए 1.5 कप और 2 किलो के लिए 3 कप। और वेनेगर उसमें डालना है, मैंने 2 किलो ली हूँ तो इसके लिए मैंने 3 कप वेनेगर डालूंगी। सही है, 1 कप, 2 कप और ये 3 कप। 1 किलो के लिए 1.5 कप और 2 किलो के लिए 3 कप। अभी मैं इसे पकाऊंगी, पकाने के बाद हम इसे जब जोश आ जाएगा ना, जब भी हम इसमें 1.5 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अभी विनेगर डाल के मैंने शक्कर को भी पकाऊंगी, जब जोश आ जाएगा ना, जब भी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1.5 कप। अभी हम इसे पकाएंगे। अभी ये शक्कर विनेगर में डिजॉल्व हो गया है, देखिए एकदम पूरा डिजॉल्व हो गया है। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1.5 कप, थोड़ा पानी डाल के उसमें, जैसे हम चाइनीज वगैरह बनाते हैं ना वैसा करना है इसको, ऐसा मिक्स करना है पूरा पानी के जैसा। अभी ये ऐसा मिक्स करना है और हम अभी इसे इसमें डालेंगे और ऐसा से मिक्स करते रहना है। फ्लेम फास्ट करके ऐसा धीरे धीरे डालना है। ऐसा मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आ जाए। देखिए ऐसे करते रहना है, जब उसमें जोश आते रहे। अभी अपना एक प्रोसेस तो रेडी हो गया था, कैरी को हमने मसाला लगा के रखे थे, ये पे कैरी को मसाला लगा के रखे थे, ये फर्स्ट प्रोसेस है। और ये सेकेंड प्रोसेस है, ये हमने कॉर्नफ्लावर का शक्कर और कॉर्नफ्लावर और वेनेगर में ये हमने सेकेंड प्रोसेस तैयार किए हैं। अभी थर्ड प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, पहले ये सोच इंटर भेजा, फिर आपको सेकेंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस बताती हूँ। ऐसा ये घट होना चाहिए, क्रीमी लुक आना चाहिए। मैंने गैस से निकाल के गैस बंद की हूँ, ऐसा हिलाते रहना नहीं तो इसकी खुटली बन जाएगी। ऐसा करो कि इसको क्रीमी लुक्स आ जाए। देखिए अभी हो गया। अभी मैं इसको जो मैंने अचार को जो करके रखी थी ना उसमें इसको मिक्स कर दूंगी। अगर आपको लगा कि आपका कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हो, डरने की बात नहीं कि बहुत घट हो गया है। अभी हम इसको सब ऐसे मिक्स करेंगे। ये चाइनीज अचार है तो थोड़ा चाइनीज लुक भी तो आना चाहिए ना। ये देखिए अभी हम इसको बाद में बघार भी देना बाकी है, मैं इसको बता दी कैसे बघार देंगे। पहले सब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपको शक्कर कम है तो आप ऊपर से शक्कर भी डाल सकते हैं। किसको किसे ज़्यादा शक्कर नहीं अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है तो आप ऊपर से शक्कर भी डाल सकते हो, शक्कर का पाउडर। देखिए अभी थर्ड प्रोसेस के लिए 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता लेना है, 6 लहसुन अखे, उसको मैंने ऐसे ही सब छिलका निकाल के रखी हूँ, और 2.5 टीस्पून राय और 3 कप तेल। पहले हम तेल किसको हम बघार देंगे, 3 कप तेल ले ली,
जब इसमें बॉयल आने लगे तो हम इसमें कड़ी पत्ता, राय और ये लहसुन मैंने अखा ही रखी हूँ, आप उसे चाहिए दो ठेज सकते हो, मैंने अखा रखी हूँ। अभी गैस का फ्लेम स्लो करना है, उसमें कड़ी पत्ता डाल दो, तो संभाल के डालना नहीं तो फिर गरम गरम रहेगा, गैस स्लो करके डालना है। कड़ी पत्ता, लहसुन और ये राय, इसे भी अच्छा थोड़ा लाल करना है। जब ये लाल हो जाएगा ना तो जो मैंने ये बनाई हूँ इसमें मिक्स करेंगे, लेकिन ये लाल होने के बाद इसे लाल होने देंगे। हमारा तेल गरम, मतलब लहसुन लाल हो गया है, ठीक है। अभी हम इसको जो कैरी का थाना मिश्रण उसमें हम मिक्स करेंगे, गरम गरम संभाल के डालना है, ठीक है। अब मैंने इसमें नमक, जब मसाला डाली थी ना, जब भी मैंने नमक डाली थी, मैं शायद बोलना भूल गई, जब भी नमक डालना है आपके स्वाद अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। अभी देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है और ठंडा होने के बाद एक कांच की बोतल में पैक करके रखना है, और ये साल भर भी चलता है, ख़राब नहीं होता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, देखिए कैसे तेल ऊपर आ रहा है। हमारा ये अचार बन के रेडी हो गया है, मैंने इसको कांच के कंटेनर में रखी हूँ, उसे टाइट बंद करके रखना है ताकि वो अचार कभी ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह।